अल्लाह सच्चे। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम जी, झटक में आप एडवर्ड करना सलाम। मैं आपका ब्लॉगर मामा दुमा संधु। तो भाई लोगों, हर ब्लॉग में मैं एक ही डायलॉग होता हूँ। इतने दिनों बाद रमज़ान था, हमने सोकर गुजारा। टोटल कोई काम देला कुछ भी नहीं किया, बस सोकर गुजारा। आज पिछली बातों को हम भुला कर एक नई जिंदगी को शुरू करते हैं। आइए मिले मेरे साथ मिलकर हम एक नई जिंदगी को शुरू करें और सारे जितने भी गुस्से गिले हैं हमारे, उनको ख़त्म करके एक साइड पर रखें। तो मेरी छोटी छोटी खुशियों में आप भी शामिल हों, मैं आपको भी मैं अपनी छोटी छोटी खुशियां आपको दिखाऊं। तो आज का आपका अपने थंबनेल टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा आपका भाई क्या करने लगा। भाई करने क्या लगा, ईद की शॉपिंग की जो बात करें ना, तो भाई ईद की शॉपिंग मैंने नहीं की, जो भी की अम्मी जी लोगों ने की, अपना तो कोई लेन देन नहीं है ईद की शॉपिंग के साथ। जो भी किया घर वालों ने किया, अम्मी जी ने किया, बस हमारी सिर्फ थोड़ी बहुत कलेक्शन हुई। बाकी ये कि हम आपको दिखाते हैं फिजिकली तौर पर ईद की शॉपिंग मैंने खुद जाकर नहीं की, जितनी की है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। वीडियो क्लिप है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे पास सबूत है, हम बिना सबूत के कोई बात नहीं करते, ऐसे हम किसी पर बहतान नहीं लगाते। तो हम हमारे कुछ ईद पर अनमोल तोहफा जात जो हमारे लिए आए, हम उसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली थी, पर आपको भी दिखाना बनता है मेरी ईद, ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियाँ। अच्छा बात करते हैं पहले हम अपने शूज़ की। शूज़ नहीं है, सैंडल लिए हैं, क्योंकि इस ईद पर मैंने ये इरादा किया था कि मैं शलवार कमीज़ पहनूँगा, पर मैंने वो स्टिच करवा भी लिया है। सबसे पहले ये बात करते हैं हम इन सैंडल की, ये थंबनेल पर ये लगेगा नहीं, वो हम एंड पर बनाते हैं थंबनेल भी। अच्छा ये सैंडल है, इसका ओवरव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ, मैंने कौन सा सेल करने ये सैंडल लिया मैंने, और इसके साथ मैंने वाइट सूट है मेरा जो इस पर मैं पहनूंगा, जो कि मैंने पहले स्टिचेबल करा दिया था। उसके बाद जब मैंने जो अपना ईद की तैयारी कर ली थी, उसके बाद मेरे आए ईद के गिफ्ट्स, उसकी अनबॉक्सिंग होगी, पर आपको भी याद दिखाना है मेरी छोटी छोटी खुशियों में आप भी शामिल होंगे। सबसे पहले समझ नहीं आ रही मैं किधर से शुरू करूँ, किधर से ख़त्म करूँ। सबसे पहले हम सूट की देखते हैं, वेट मैं भी सूट लेकर आ। ये रहा सूट का डिब्बा, इसको हम खोलते हैं जी। सबसे पहले इस पैकेट के अंदर दो चीज़ें, गिफ्ट हैम्पर के अंदर दो चीज़ें। सबसे पहले आती है हमारी जी पैंट शर्ट, ठीक है, और इसके बाद आता है जी हमारा ये डिब्बा, और इसके अंदर है सूट हमारा, ठीक है। दिखाते हैं कितना अमेजिंग कलर है और कितना पसंदीदा मेरा सूट है। मैं के मेरी लुक कलर चॉइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट आया है, माशाल्लाह बहुत मज़े का। इसके अंदर बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कैमरे के सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, पर मेरी खुशी है आपको दिखाऊं और आप देखें। डब्बे को यार बाद में खोलते हैं सब्र करें, बाद में खोलते हैं। इसके अंदर है जी सूट शलवार कमीज़ के लिए, इसको हम डब्बे को रखते हैं जी इस साइड पर, और ये थी एक पैंट शर्ट गिफ्ट, तो इसको भी हम रखते हैं इस साइड पर। जब यहाँ पैंट शर्ट पहनूंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा, अभी मैं इसको निकालूँ और पहन तो नहीं ना सकता, ये खुद देख लीजिएगा। तो इसको हम रखते हैं ज़रा दूसरी साइड पर। बाद में आ जाती है इस शॉपर की बारी, इसके अंदर है हमारा शूज़, अभी हम अपने शूज़ को निकालते हैं। ये मुझे ईद के पर गिफ्ट आया, ये शूज़ आए, वो सैंडल, ये शूज़ मैं पैंट शर्ट के साथ डालूंगा। ये शूज़ नहीं, इसको पंपी कहते हैं, आई नो ब्रदर इज अ पंपी, बहुत ही शहरी बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, पंपी लग गई समझ। पैंट शर्ट के साथ डालूंगा एंड पर आपको टोटल ओवरव्यू देता हूँ। ये गिफ्ट आया मुझे, और इसके साथ साथ रुमाल का गिफ्ट आया, हम उसको भी निकालते हैं। अच्छा तो ये इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया था पहले, ये थे स्टड और इसके साथ जो इधर बटन वगैरह लगते हैं, और ये एक पेन था, इसको मैंने अनबॉक्स करके देखा था, क्योंकि मुझे कहा गया था इसको टेस्ट करें कि ये चलता भी है कि नहीं, तो मैंने वो टेस्ट किया।
अनबॉक्सिंग हो गई थी, मैंने आपको पहले बता दिया, गुस्सा कर गुस्से वाले कोई बात नहीं, मैं पहले देख रही वीडियो भी बनी है कि नहीं है। हाँ वीडियो बन रही है, वीडियो के चक्कर में अपना नुकसान करवाने लगा। अच्छा फिर इसके बाद आ जाइए रुमाल भाई, गिफ्ट आया पूरे तरले वाले गिफ्ट आए हैं, माड़े मोटे गिफ्ट नहीं आए यार की थे, चंगे गिफ्ट आए हैं। फिर इसके बाद ये आ जाता है हमारा वॉलेट, जिसके अंदर हम मक्खियों को रखेंगे, क्योंकि जेब में हम पैसे रखते ही, मैं नहीं रखता ना मेरा बेबी रखता है, हम जेब के अंदर एक टका भी नहीं रखते, ज़्यादा रखते हैं एक टका नहीं रखते, और भी बाद में देता हूँ। ये हो गया सबसे फेवरेट, फेवरेट तो माशाल्लाह सब टोटल ही है, पर जो वाजह तौर पर लोग पूछते हैं ये चीज़ कहाँ से और कौन सी लगाई है, हमें बताएं, हम भी बाइक करना चाहते हैं, तो वन एंड ओनली नहीं कहना था ना कहना। अच्छा कहाँ से ली है, क्या प्राइस है, किधर से ली, ये है हमारा चीता परफ्यूम। अरे बड़ा परफ्यूम क्या, यह परफ्यूम जो कि स्पेशल गिफ्ट आया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, पर ऐसे नहीं, इसको हम निकालते हैं बिल्कुल अपने स्लोमे के साथ। इतनी दूर आने का ये तो मुझे फ़ायदा हुआ कि समुंदरी शहर में एक ये सैंडल, मैंने पहले कहा था कि ईद की जो भी शॉपिंग करनी है अम्मी जी ने करनी है, मैंने नहीं करनी, एक ये सैंडल अम्मी ने पहले सिलेक्ट किए हुए थे, बस मेरे इंतज़ार था कब आएगा तो कब ये सिलेक्ट करेगा, और एक ये लिया टू, और एक ये, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ये हो गया, ये तीन सैंडल ऑलरेडी लेने हैं, मैं एक आया था और पसंद मुझे तीनों ही आ गए, तो तीनों को सिलेक्ट कर लिया, बस मैंने पहले कहा था जो भी शॉपिंग करनी है वालदा ही करेंगी, मुझे किसी भी किस्म की कोई भी इशू नहीं है, जो भी जाने वालदा जाने, मैं जो घर बैठे ही हर चीज़ मिल जाती है, तो फिर मैं क्यों इतना खजल खुआर हूँ। हाँ कभी कभी होना पड़ता है, तो कभी कभी होता भी हूँ, पर ये हो गया सिलेक्ट तीन शूज़, इसमें से एक भाई को दे दूँगा, दो आप रख लूँगा। अब करने लगे हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग क्या करना है, इसको सिर्फ उठाना है, तो 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इसके अंदर ना ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर हंसना मत, जो है मैं आपको दिखाऊंगा, हकी बात है ना, हंसना ना यार, बस पहनने के लिए इस्तेमाल होती है बनियान सॉक्स, और ये नाड़ा सूट के लिए हैंडमेड है, ये इन चीज़ों को हम रखते हैं जी साइड पर ज़रा। ये रहा जी हमारा सूट, देखे ना बिल्कुल कलर के साथ मैचिंग, ये डाला हुआ मुझे पता है ना कि मुझे यार बहुत बहुत अच्छा लगेगा, वो कमाल के एंड लेवल का ये लगेगा, क्योंकि ये कलर पसंदीदा है, क्योंकि इस कलर में मैंने एक बार पहले भी सूट पहना तो यार कमाल का लगा था मुझे, क्योंकि यार मर्दों के सूट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कलर होंगे, 5 6 7 8 10 इससे ज़्यादा होंगे नहीं, तो मैं लाइट कलर पहनता हूँ तो बहुत अच्छा है यार कलर, और बहुत मैसी किस्म की काटन है, और ये किसका है, जैन जी वालों का है, जिधर का भी है हमें इससे कोई तल्लक नहीं है, पर भेजने वालों के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है, और कमाल का यार एंड लेवल का सूट है, मज़ा आ गया यार देखकर, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर इतना ज़्यादा किया हुआ खर्चा गिफ्टों पर ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ये नहीं मुझे अच्छा लगा, बाकी हर चीज़ अच्छी है।
और लाइट ज़्यादा है। वैसे ये पिस्ते कलर का सूट है, बड़ा कमाल किस्म का ये भी सूट है, मैंने पहन कर देखा है। ये भी स्टिचेबल हो गया है, वाइट भी हो गया है। वाइट को ये है कि वो उसको वॉश करना है, बटन लगने वाले रह गए हैं, इसके भी वॉश करना है बटन, इसके बटन लगने वाले रह गए हैं। ये पिस्ते कलर का सूट है माशाल्लाह, ये भी कमाल लगा था मुझे पहना हुआ। ये पहने गए ईद के पता नहीं किसले दिन, पहले दिन तो भाई ईद की नमाज़ पढ़ के तो हमने पहनना है वाइट, नमाज़ पढ़ने जाना वाइट सूट पहन कर जाना है बस, उसके अलावा कोई डिसाइड नहीं को कब कौन सा क्या पहनना है, ये डिसाइड नहीं है। ये रहा हमारा वॉलेट जो कि हम ईद के दिन इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भी मुझे एक वॉलेट गिफ्ट हो चुका है, अम्मी जी ने मुझे गिफ्ट किया है वो वॉलेट, और ये भी एक वॉलेट मुझे गिफ्ट आ गया है, दो वॉलेट हो गए, तीसरा वॉलेट अभी भी है, वो चलता है अभी भी। और ये स्टड मैंने ये पहली मरतबा यार, पहली सीधी बात है, मैंने ये पहली मरतबा इस्तेमाल करने थे इसलिए मैंने इसको एक को उतारा था तो एक इधर इधर इसके अंदर है कि चला गया, ठीक है। इसको लिए मैंने इसको उतार कर देखा था। और यह है इसका रुमाल, रुमाल को हम ऊपर वो लगाएंगे ना परफ्यूम हंटर की, कमाल की। और ये थे हमारे जो शूज़, ठीक है। तो ये रही लाइट, और लाइट से हम इधर से दिखाएंगे, ये रहे हमारे शूज़, ठीक है। और ये रहे हमारे सैंडल ईद के लिए, और एक थे, एक लिए थे वो मैंने इस्तेमाल कर लिए पहले ही ईद से। ईद के गिफ्ट जो कि आपको दिखाते दिखाते मुझे पसीना आ गया बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर ईद वाले दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। ये मेरी छोटी सी खुशी थी और मेरे जो छोटे छोटे से मिनी मिनी से गिफ्ट थे जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसके लिए जिन्होंने मुझे दिए हैं थैंक यू टूंक यू मैं कोई नहीं कहना। हाँ जी, अब मुझे ये बताएं कि मैं अपने आप को राजकुमार ना कहूं तो फिर क्या कहूं भाई, हर चीज़ तो अगर घर बैठे मिली जाती है तो मैं क्या कहूं। तो बाकी स्पेशल थैंक्स माय मॉम्स के, जिन्होंने मुझे घर बैठे ही हर चीज़ प्रोवाइड कर दी, आपका बहुत ज़्यादा 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 मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। और ये मेरी माओ का प्यार, मज़ा आ गया प्यार को आपको देखकर, पर मज़ा वही आता है कि जो मैं खुद अपने हाथों से कमाऊं और आपको ला कर दूँ, और मैं खुद भी डालूं और आपको भी ला कर दूँ कपड़े वगैरह का, मसीह ईद के गिफ्ट्स मैं दूँ, ये मुझे अच्छा लगेगा। और आप मुझे दें ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी आपके गिफ्ट्स माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, फिज़िकली तौर पर भी कह दिया पर वीडियो की सूरत में भी हम ये इस प्यारे से लम्हात को महफूज कर हम रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बाय बाय। हम मेरी छोटी छोटी खुशियों में कहने लगा था ऐसे बोतान किसे बने बोतान।